जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम शटल से इस तरह का इयरिंग बनाएंगे। ये मैंने वाइट कलर का इयरिंग बनाया, आप इसे किसी भी कलर का बना सकते हैं। इसके लिए मैंने शेड और पर्ल यूज़ किए हैं। तो चलो हम ये इयरिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी शटल के अंदर हम वाइट थ्रेड डाल लेते हैं और उसके अंदर हम ये शीट्स डाल लेते हैं। ये शीट्स हमें 24 चाहिए। इसलिए मैंने अपने ये पर लिए हैं, ये मैंने 2 mm के, 4 mm के और 6 mm के पर लिए हैं। इनसे हम अपने इयरिंग को डेकोरेट करेंगे। तो चलो ये इयरिंग बनाना हम शुरू करते हैं। इस इयरिंग को बनाने का ये पैटर्न है। इसके अंदर कुल हमारी 12 रिंग बनेंगी। इसमें फर्स्ट रिंग में हम 10 डबल नोट, 1 पिकेट, 7 डबल नोट, 3 शीट्स, 7 डबल नोट, फिर पिकेट, सेकेंड पिकेट और 10 डबल नोट बना के अपनी फर्स्ट रिंग बनाएंगे। ये हमारा पूरा पैटर्न है। तो हम इसमें अपनी फर्स्ट रिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद अपनी सेकेंड रिंग बनाएंगे, फिर थर्ड और फोर्थ रिंग, फिर ये सभी रिंग आपस में रिपीट होती हैं। ये फर्स्ट रिंग हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने थ्रेड के अंदर हम 1, 2, 3 शीट्स लेंगे और अपनी रिंग के अंदर इन्हें 3 शीट्स को हम ले लेंगे। फिर शुरू में हम 10 डबल नोट बनाते हैं। टेन डबल नोट बना लिए हमने। अब इसके बाद एक पिकेट बनाएंगे हम। फिर इसके बाद इसमें हम 7 डबल नोट बनाते हैं। सेवन डबल नोट बना लिए। अब इसके बाद इसके अंदर हम 3 शीट्स को आगे ले आएंगे हम। इसमें वापस से हम 7 डबल नोट बनाएंगे। सेवन डबल नोट बनाने के बाद इसके अंदर हम सेकंड पिकेट बनाएंगे और फिर 10 डबल नोट बना के अपनी फर्स्ट रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी फर्स्ट रिंग कंप्लीट होती है। अब अपनी सेकंड रिंग बनाएंगे। तो सेकंड रिंग के अंदर हम 12 डबल नोट, फिर अपनी फर्स्ट पिकेट से इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 12 डबल नोट बना के अपनी सेकंड रिंग कंप्लीट करते हैं। तो शुरू में इसके अंदर में रिंग के अंदर 12 डबल नोट बनाते हैं। इसके अंदर हम कोई भी शीट्स नहीं लेंगे। तो इसमें 12 डबल नोट कंप्लीट करती हूँ मैं। इसलिए मैंने इसके अंदर ये 12 डबल नोट बना लिए। 12 डबल नोट बनाने के बाद जो अपनी पिकेट है, इस पिकेट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इसे ज्वाइन करने के बाद वापस से इसके अंदर हम 12 डबल नोट बना के अपनी सेकंड रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इसलिए हमने अपने 12 डबल नोट बना के इसे क्रिकेट से ज्वाइन कर दिया, फिर 12 डबल नोट बना के अपनी सेकेंड रिंग को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हमारी ये सेकेंड रिंग कंप्लीट हो गई। अब अपनी हम थर्ड रिंग बनाएंगे। तो थर्ड रिंग में हमारी फर्स्ट रिंग की तरह 10 डबल नोट बना के फिर अपनी इस विकेट से 10 डबल नोट बना के अपनी इस विकेट से हम ज्वाइन करेंगे। तो शुरू में हम अपने
पहले 3 शीट्स लेते हैं हम अपने रिंग के अंदर। फिर शुरू में हम यहाँ पे 10 डबल नॉट बनाते हैं। इस तरह से इसके अंदर हमने 10 डबल नॉट बना लिए हैं। अब अपनी जो ये अपनी सेकंड पिकेट है, इससे जहाँ से हमने अपनी सेकंड रिंग ज्वाइन की थी वहीं से इसे ज्वाइन करेंगे। इस तरह से इसके यहाँ पीछे से हम इसे तो ये हमारी इसके नीचे चली जाएगी। ये वाली सेकंड रिंग तो हमारी ऊपर रहती है और ये अपनी थर्ड रिंग हमारे इसके नीचे चली जाती है। अब हमने अपने 10 डबल नॉट बना लिए, यहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारे ज्वाइन हो गई है। अब जिस तरह से हमने अपनी फर्स्ट रिंग के अंदर 7 डबल नॉट बनाए थे, फिर 3 शीट्स लगाए थे, फिर 7 डबल नॉट, फिर सेकंड पिकेट, और फिर इसके अंदर हमने 10 डबल नॉट बना के अपनी सेकंड रिंग को कंप्लीट किया था, इस तरह से हम अपनी थर्ड रिंग को कंप्लीट करेंगे जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रिंग की तरह बनेगी। तो इसके अंदर पहले हम 7 डबल नॉट बनाते हैं। इस तरह इसके अंदर हमने 7 डबल नॉट बना लिए, फिर अपनी 3 शीट्स खोल लेंगे और फिर इसके अंदर वापस से हम 7 डबल नॉट बनाएंगे। फिर सेकंड पिकेट और 10 डबल नोट बना के अपनी थर्ड रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं जो बिल्कुल हमारी फर्स्ट रिंग की तरह बनेगी। अब हमारी थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब अपनी फोर्थ रिंग बनाएंगे जो हमारी फर्स्ट और थर्ड रिंग के बिल्कुल सेम बनेगी। फर्स्ट और थर्ड रिंग के जैसे फोर्थ रिंग में हम 10 डबल नोट, फिर अपनी थर्ड रिंग से इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 7 डबल नोट, फिर 3 शीट से फिर 7 डबल नॉट, फिर पिकेट और 10 डबल नॉट बना के अपनी फोर्थ रिंग को कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट और थर्ड रिंग की तरह कंप्लीट हो। तो शुरू में 3 शीट्स लेते हैं और अपनी रिंग के अंदर से इसके अंदर 10 डबल नॉट बनाएंगे, फिर अपनी प्रीवियस रिंग से इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 7 डबल नॉट, फिर 3 शीट्स, फिर 7 डबल नॉट और फिर सेकंड पिकेट और 10 डबल नॉट बना के अपनी फोर्थ रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह फोर्थ रिंग के अंदर हमने शुरू में 10 डबल नॉट बनाए, उसे प्रीवियस रिंग से ज्वाइन किया, फिर 7 डबल नॉट, 3 शीट्स, फिर 7 डबल नॉट, सेकंड पिकेट और 10 डबल नॉट बना के अपनी फोर्थ रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद अपनी फिफ्थ रिंग बनाएंगे जो हमारी इस वाली रिंग की तरह बनेगी। तो इसके अंदर शुरू में हम 12 डबल नॉट बनाते हैं और इसे अपनी प्रीवियस रिंग से हम ज्वाइन करेंगे। अब इसके अंदर हमने 12 डबल नॉट बना लिए, अब इसे अपनी प्रीवियस रिंग से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे रिंग के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाती है। अब इसके अंदर 12 डबल नॉट बना के अपनी फिफ्थ रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से 12 डबल नॉट बना लिए, अब अपनी फिफ्थ रिंग को मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से हमारी फिफ्थ रिंग कंप्लीट हो गई है। अब इन्हीं सभी रिंग को हम रिपीट करते हैं, अपने ये रिंग कंप्लीट करते हैं। तो शुरू की जो 3 रिंग है उन्हीं को हम रिपीट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिंग बिल्कुल सेम बनेंगी, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स रिंग ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरह बनेंगी, फिर 7, 8, 9 भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरह बनेंगी, 10, 11 और 12 भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तरह बनेंगी। बस 12 रिंग में हमारी ये रिंग दोनों पिकेट से ज्वाइन होती है। तो मैं सभी रिंग कंप्लीट करके लाती हूँ, फिर आपको 12 रिंग में इसकी सेकंड पिकेट से यहाँ ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो सभी रिंग हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिंग की तरह बिल्कुल रिपीट होती जाएंगी। इस तरह से हमारा ये रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इस तरह से
थ्री तरह के पेयर में ये रिंग कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के अंदर मैंने अपनी सभी रिंग कंप्लीट कर ली है और अपनी लास्ट रिंग में आ गए। लास्ट रिंग बिल्कुल हमारी फर्स्ट रिंग की तरह बनेगी, लेकिन लास्ट वाली जो पिकेट है वो हमारी फर्स्ट रिंग से ज्वाइन होगी। तो मैं लास्ट वाली रिंग आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। इसके अंदर मैंने लास्ट रिंग के अंदर मैंने 10 डबल नोट बना के अपनी प्रीवियस रिंग से ज्वाइन कर लिया, फिर 7 डबल नोट, फिर 3 शीट्स, फिर 7 डबल नोट। अब जो हमारी सेकंड पिकेट बनती है, सेकंड पिकेट ना बना के अपनी फर्स्ट रिंग की जो हमारी पिकेट है उससे हम इसे ज्वाइन करेंगे। जो हमारी फर्स्ट रिंग की पिकेट है इसे ज्वाइन करेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए जो हमारी रिंग है उसके दोनों थ्रेड को आगे की तरफ कर लेंगे, इस तरह से इसको इस तरह पर फोल्ड कर लेंगे, दोनों रिंग हमारी आगे की तरफ होनी चाहिए हमारे। फिर इस तरह से अपने क्रोशिया हुक से इस पिकेट के नीचे वाले थ्रेड को इस तरह से निकाल लेंगे हम, लेकिन हमारे दोनों थ्रेड ऊपर की तरफ होने चाहिए, नहीं तो हमारा ये अच्छे से ज्वाइन नहीं होगा और हमारा बनने में नहीं आएगा। तो ये दोनों थ्रेड आगे की तरफ मैंने इस तरह से अभी से मैं यहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ। दोबारा से बताती हूँ आपको मैं, जो हमारे ये दोनों रिंग वाला थ्रेड है इसको इस वाले रिंग के आगे की तरफ रखेंगे, ना कि इस तरह से, इस तरह आगे की तरफ रखेंगे। आगे तरफ रखने के बाद इसे इस तरह से हम इसे पिकेट में से इस पीछे वाले हिस्से को इस तरह से निकाल लेंगे हम इसमें और अपनी शटल वाले थ्रेड को इसमें से इस तरह निकाल लेंगे। फिर अपनी रिंग को वापस हम लूप को वापस ले लेते हैं। इस तरह से हमारा ये लो ज्वाइन हो गया, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से ज्वाइन हो जाता है हमारा ये लूप। लेकिन हमारे लूप के दोनों थ्रेड आगे की तरफ रहते हैं, जो हमारे जिसमें हम अपनी नॉट बनाते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम 10 डबल नॉट बना लेंगे। टेन डबल नोट बन गई है हमारे। अब इस रिंग को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये कंप्लीट हो गई है। जो हमारा ये शुरू वाला थ्रेड है इसे यहाँ पे इसके अंदर नोट लगा के अपने रिंग को हम कंप्लीट कर देते हैं। अभी हमारा ये रिंग कंप्लीट हो गया, अब इसे हम अपने पल से डेकोरेट करते हैं।
इस तरह हमारे दोनों ईयरिंग कंप्लीट हो जाते हैं। आप इसे पेंडल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अगले अगले वीडियो के अंदर इसके अंदर हम अपने पेंडल के लिए चैन बनाना सीखेंगे। तो इसे ईयरिंग और पेंडल दोनों के रूप में से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये ईयरिंग की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।